many planets in the second house, in the sorry in the seventh house give a happy second marriage. तो ये टेक्निक या प्रिंसिपल देखते हैं आज. तो ये चार्ट है जहाँ चार प्लैनेट्स सेवेंथ हाउस में है. तो ये टेक्निक आप तीन या तीन से ज़्यादा प्लैनेट हो तो भी यूज़ कर सकते हैं. तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि द मोर द नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर इन द हाउस इज इक्वलेंट टू द मोर अमाउंट ऑफ डिज़ायर. ज़्यादा इच्छा है शादी करने की तो इच्छा तो दिखा रहा है, पर क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा है वो हैंडल नहीं कर पाते. तो पहली अगर शादी कर लेते हैं तो दैट डजंट यूजुअली लास्ट एंड्स अप इन डिवोर्स. एंड बाय द टाइम दे गेट ओल्डर द प्लैनेट्स हैव मैच्योर्ड होपफुली एंड दैट सेकेंड मैरिज इफ दे डू देन दैट टेंड्स टू बी हैप्पियर. और समटाइम्स इफ द प्लैनेट्स आर रियली डिफिकल्ट देन दे मे नॉट मैरी ऑल्सो. सो इन दिस केस दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. दिस पर्सन इज 40 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने अभी तक शादी इनकी नहीं हुई है. शादी करने की इच्छा है पर हो नहीं पा रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है कि वो कहीं फुलफिल ही नहीं हो पाती है. सो बेस्ट केस सिनेरियो उसमें ये है कि सेकंड मैरिज या फिर पहली भी शादी कर रहे हैं, अगर बहुत लेट एज पे कर रहे हैं तो वो हैप्पी होने के चांसेस हैं.